हे गाइस, देखो कोई भी गवर्नमेंट पावर में आएगी, लेकिन सर कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो लगभग चलेंगे ही चलेंगे सर, और सर अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल के देगा। आपको बस देखना है कौन सा सेक्टर हो सकता है। जब आप रिसर्च कीजिएगा तो सर ये भी आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो सर मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको बताऊँगा कि कौन से सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, जिससे इलेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सर इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं देखो सर ये इलेक्शन जो होता है ये आम जनता के लिए होता है सर, मतलब भारत के लोगों के लिए होता है। अब सर भारत के लोगों को कैसे आगे लेके जाएं, लेकिन उनके लिए कैसे कुछ अच्छा किया जाए, तो सर कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है सर, तो फ्यूचर में पक्का अच्छी तरीके से ही ग्रो करते हैं। तो कौन से सेक्टर को ध्यान रखना है ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि देखेंगे तो सर लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, तो सर सेक्टर भी तो चेक करना ज़्यादा जरूरी होता है ना सर। बिल्कुल, तो देखते हैं इलेक्शन की वजह से यहाँ पर कहाँ पर बेनिफिट और पैसा छापने का मौका मिल सकता है सर। तो सर सबसे पहले जो है यहाँ पर मैनिफेस्टो के ऊपर ध्यान देंगे सर, जैसे बीजेपी की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो रखा गया है सर, कांग्रेस की तरफ से भी रखा गया है, तो उसके अंदर वो क्या क्या बोलते हैं कि भाई हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये जो सर बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं सर, यही वादे को पूरे करने के लिए सर ये लोग जो है कुछ कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे, और इन्हीं की वजह से सर कुछ कुछ रैंडम कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है सर। ठीक है, तो आइए जो हम पहला सेक्टर यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे सर, वो रहेगा पावर। पावर अगर आप देखोगे तो सर हम सारी चीज़ों सर कोल को छोड़ दे रहे हैं सर, जो भी है हम सर ध्यान दे रहे हैं अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो पावर वाले जो कंपनियां सर उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में भी अगर आप देखोगे सर इंडिया में तो सर लगभग इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है ना वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाला है सर, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाला है। देखिए आजकल देखिएगा तो सर गर्मी इतना ज़्यादा होने लगा है सर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सर, लोग एसी खरीदना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए जिनके पास का ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़े पैसे हैं, तो सर लोग कूलर खरीदना स्टार्ट करेंगे, कार भी खरीदेंगे तो सर कार भी देखेंगे तो एसी वाला रहेगा सर, कार में भी अगर आप देखोगे तो सर वहाँ पर भी चार्जिंग है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि सर इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है सर यहाँ पर, तो पावर वाले सेक्टर पर तो ध्यान रखिएगा ही सर पक्का। तो यहाँ पर इन लोगों ने बोल रखा है सर कि भाई देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने सर एक तरीके से बोल रखा है ड्राफ्ट में अपने कि हमारा जो प्लान है सर, सभी लोगों का अपना जो एक एक प्लान होता है बताया जा रहा 4.75 लाख करोड़ सर, मतलब आप समझ लीजिए 5 लाख करोड़, इतना बड़ा अमाउंट जो है 2022 से 2027 के बीच में सर लगभग जो है आगे बढ़ाने के लिए सर पावर सेक्टर को ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और वहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा है सर। बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर देख सकते हो कि बाई 2032 इंडिया एम टू अचीव, यहाँ देख सकते हो इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 900 गीगावाट सर, ये मेगावाट नहीं है, ये जीगावाट है जो कि उससे भी बड़ा होता है सर, ऐसा है। और बताया जा रहा है कि भाई देख सकते हो रिन्यूएबल सेक्टर में तो सर इंडिया कुछ नहीं बहुत कुछ बड़ा करने जा रहा है, बताया जा रहा है विद द वर्ल्ड बिकमिंग ग्रीन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, यहाँ पर देख सकते हो सर, तो रिन्यूएबल सेक्टर में सर मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें लगती है, आपको क्या लगता है? उसके साथ साथ सर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर सरकार ने पिछले साल 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किया था सर, कितना 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किया था सर, इस बार सर 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है सर, 11 लाख करोड़ रुपये, कहने का मतलब है सर पिछले बार से इंक्रीज़ हुआ है सर, और सरकार चारों तरफ से सर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करते जा रही है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जैसे बुलेट ट्रेन, हाईवे, कनेक्टिंग मोर सिटीज़, बहुत सारी चीज़ें सर, ब्रिज हो जाता है, हाउसिंग डेवलपमेंट में देखोगे तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक सर मतलब आप देख सकते हो। रेल विकास निगम लिमिटेड क्या करता है सर, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है, बुलेट ट्रेन, तो अभी देखोगे तो वंदे भारत से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही है, बुलेट ट्रेन आएगी तो सर वहाँ पर लगभग जो है उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। टूरिज्म, टूरिज्म सर मैं आपको बता दूँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और सर गवर्नमेंट के पास एक ऐसी कंपनी है जो टूरिज्म से रिलेटेड है, और लगभग अभी 5 से 8 साल हो चुका है वो स्टॉक चला ही नहीं है सर, टूरिज्म पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो टूरिज्म होगा तो इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा सर, हमारे देश का आन बान शान बढ़ेगा, कहने का मतलब है कि हमारे देश में सर बाहर बाहर से सर टूरिस्ट आएंगे इंडिया में घूमने के लिए। क्यों आएंगे सर इंडिया के अंदर? क्योंकि सर इंडिया एक अच्छा देश है, कल्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ के लोग अच्छे हैं, संस्कृति अच्छा है, मिलजुल के लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए है, पीने, मतलब बहुत सारी चीज़ें सर भारत देश के अंदर, तो सर सारी सुख सुविधा जब आएंगे ना तो लोगों के पास जब पैसा होता है ना सर वेकेशन पे, समर वेकेशन पे लगभग सभी लोग सर हॉलीडे में घूमना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा सर टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज है। महिंद्रा हॉलीडेज के बारे में आपको पता है सर, महिंद्रा इंडिया में, महिंद्रा बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है सर टूरिज्म में, तो ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में यहां पर देख सकते हो कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है सर ये बहुत अच्छी तरीके से भागने वाला है नेक्स्ट
3 to 5 years में। तो जब सरकार बनती है सर तो 5 सालों के लिए बनती है। अब 5 सालों के लिए सरकार बनेगी तो 5 सालों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। कोविड के बाद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब रियलिटी सेक्टर में सर, इसमें भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे लगभग जो है तेज़ी आपको देखने को मिल रही है सर। और इसमें सर लगभग गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह आता रहता है जिसके वजह से इनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है सर। इलेक्शन सिस्टम जो बताया जा रहा है, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हैं सर यहाँ पर। सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सर, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर, बहुत छोटे छोटे सर कॉम्पोनेंट वगैरह होता है। अब इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो कंपनी सर कॉम्पोनेंट बनाने वाली होती है, तो जो भी सर लगभग अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह होता है। अब इंडिया सर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ नज़र आ रहा है सर, चाइना के बाद अब इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया है सारी चीज़ों में। जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए बोल रहे हैं, ये जो सेक्टर है यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 34% सर, 34% के हिसाब से ये आगे बढ़ने वाले हैं। रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली सर $110 बिलियन बताया जा रहा सर उस तरीके से, ठीक है, जो कि बोला जा रहा है करंटली $25 बिलियन से सर लगभग 110, मतलब कहने का मतलब ये सेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाली छोटी छोटी सी लगभग जैसे देख सकते हैं कि कंपोनेंट बनाने वाले, पार्ट्स बनाने वाले और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें बनाने वाली कंपनियाँ उन पर ध्यान दीजिए सर, वो और ज़्यादा कमाल करके दिखा सकते हैं सर। तो ये सारे ये 5 ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर सर मतलब पैसा बनेगा ही बनेगा चाहे जो भी गवर्नमेंट आए यहाँ पर। आप मैं आपको बोलूँगा कि सर आप टॉप वाली चीज़ों को भी अगर आप ध्यान रखते हो, कहने का मतलब जो बड़ी वाली कंपनी है उस पर भी अगर आप ध्यान रखते हो तो मुझे लगता है अच्छा ही रहेगा सर। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट जो है तो आप अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, एकदम फ्री में रहेगा, ठीक है। एवरी चार्जेस फ्री रहेगा, डिलीवरी चार्जेस केवल ₹20 लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।